समस्या हो गई है आजकल की। इसकी कोई ना कोई वजह तो वजन का ज्यादा बढ़ना ही है, क्योंकि जब आपका वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो जाता है तो उसका सारा असर आपके वेन्स पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं इसका दूसरी वजह है, वो है कोलेस्ट्रॉल का हाई होना। जब ब्लड फ्लो नहीं अच्छे से हो पाता है, मीन्स ब्लड गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, तो इससे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नसों में खिंचाव या दर्द सा महसूस होता है और हाथों पैरों में झुंझुनी या सूजन रहती है। तो आज इस वीडियो में आप लोग के लिए एक ऐसी होम रेमेडी, एक ड्रिंक लेकर आई हूँ जो कि आपके हाथ पैरों के नसों में जो दर्द रहता है, तनाव रहता है, खिंचाव रहता है, उन सबको दूर करेगा और हाथों पैरों के दर्द में भी बहुत आराम देगा। और साथ ही में इस ड्रिंक को लेने से आपके वेट को लूज होने में बहुत ज्यादा आसानी मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो में, जाते हैं उस होम रेमेडी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो इस वीडियो में आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि ये जो नसों में खिंचाव और दर्द है, उसका कहीं ना कहीं रीजन हमारा वेट है। कई बार आपने सुना होगा कि कमर की नस दबरी, हाथ की नस दबरी, पैर की नस दबरी, जिसकी वजह से हाथों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द या फटन या खिंचाव तनाव महसूस होता है। पर ये समस्या अब आपकी रातों रात खत्म होने वाली है, क्योंकि इस होम रेमेडी को ट्राई करने के बाद में आप लोग बहुत जल्दी अपने इन प्रॉब्लम से रिलीफ पाने वाले हैं। और इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं कारण वेट है, वेट का ज़्यादा होना। तो ये जो मैंने ड्रिंक बनाई है, इसमें मैंने जिन भी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, ये सारी ही चीज़ें आपके वेट को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और साथ ही में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगी, ताकि आपकी वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो नॉर्मल हो सके और वेन्स में जो खिंचाव तनाव महसूस होता है वो भी कम हो सके। तो ये ड्रिंक अगर बात की जाए तो थायराइड के पेशेंट्स, कोलेस्ट्रॉल हाई के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, नसों में सूजन होना, दर्द होना, खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द होना, नसों के दबने की वजह से साइटिका और स्लिप्टिक जैसी भी प्रॉब्लम देखी जाती है, तो इन दोनों प्रॉब्लम से भी आपको ये ड्रिंक बहुत जल्दी राहत दिलाने वाला है। इस ड्रिंक को आपको रोज मॉर्निंग में लेना है और साइटिका, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम या वेन्स में स्वेलिंग की प्रॉब्लम या जिस तरह की भी आपको वेन्स की प्रॉब्लम ये सुना, इनमें से कोई भी ले सकता है, ये सभी को बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, जानते हैं अपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को कि आखिर वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं। इसमें मैंने काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और धनिया यूज़ की है। जो कि सूखी धनिया मैंने यूज़ की है, वो हमारे थायराइड हार्मोन को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और साथ ही हमारे वेट को लूज़ करने में भी हेल्प करती है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, बड़ी इलायची, जो कि ब्लैक कलर की होती है या जिसे कहें डार्क ब्राउन कलर की होती है, ये हमारे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग को बहुत हद तक ठीक करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करती है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसमें भी ये काली इलायची जो या बड़ी इलायची जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। इसलिए मैंने इस ड्रिंक में इसको भी इंक्लूड किया है। साथ ही मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। काली मिर्च हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और जो वेट पुट ऑन हुआ है उसको कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा लौंग। लौंग जो होता है हमारी बॉडी को अंदर से एनर्जेटिक प्रोवाइड करता है और बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड करता है, और साथ ही में ये हमारे नसों में जो ब्लॉकेज होती है या जो ब्लड का गाढ़ापन होता है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये जितने ही इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे वेट लॉस को तो हेल्प करते हैं। तो मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया और कैसे बनाए, तो चलिए चलते हैं हमारी किचन फार्मेसी में और जानते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी लोग को पहले इंग्रेडिएंट्स बता चुकी हूँ, तो ये है सूखी धनिया जिसको हमें इस ड्रिंक बनाने में यूज़ करना है। साथ ही में मैंने इसमें दो लौंग लिए हैं जिसमें फूल ज़रूर होना चाहिए, जो ऊपर गोल सा रहता है, दो काली मिर्च ली हैं और एक बड़ी इलायची ली है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से कूटना है, ताकि ये जो काली इलायची है या बड़ी इलायची है, इसके जो अंदर के बीजे हैं वो अच्छे से बाहर आ सके और पानी में अपना एक्सट्रैक्ट को छोड़ सके। खड़ी बड़ी इलायची का यूज़ नहीं करना है, उसको हमेशा फोड़ करके ही यूज़ करना है। आप चाहें तो बाकी सारी चीज़ों को भी एक साथ फोड़ सकते हैं, बट बड़ी इलायची को तो फोड़ना मस्ट है। तो मैंने कुटनी में डाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से कूट लिया है, ताकि सब अच्छे से कूट जाएं और सब लोग अपने पानी में अपना एक्सट्रैक्ट छोड़ सकें। इसलिए कूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग एक गिलास पानी लेंगे। इस एक गिलास पानी में सबसे पहले हम लोगों ने जो कूटा है उस पूरे मटीरियल को हम लोग उसमें डाल देंगे। उसको डालने के बाद में जो हमारी सूखी धनिया है उसको हम लोग डालेंगे। सूखी धनिया कोशिश कीजिएगा साफ़ होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए।
अब इसको डालने के बाद में हम इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि जो सूखी धनिया है वो भी पानी में मिक्स हो जाए और जो कूटा हुआ मटेरियल हम लोगों ने उसमें डाला है वो भी सब अच्छे से मिक्स हो सके, इसलिए इसे स्पून से अच्छे से चलाना है। अब हम लोग इसको ढक देंगे, ढक कर रखेंगे हम लोग इसको रात में, और इससे जो भी ड्रिंक बनानी वो हम लोग इसको मॉर्निंग में बनाएंगे। तो इसको रात में ढक कर के रख देना, अपने कमरे में रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए सड़ने के चांसेस रहेंगे। तो अब सुबह हो चुकी है और सुबह हम लोग देखते हैं कि अब इसका क्या हाल है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि पानी में इसने सब कुछ अपना एक्सट्रैक्ट छोड़ दिया है। देखा होगा आपने पानी का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, पूरा ब्राउनिश कलर का पानी हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि इसमें सारे एक्सट्रैक्ट सारी चीज़ों ने अपना इस पानी में छोड़ दिया है। अब हम लोग एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें इस पूरे पानी को खाली करेंगे और इसको ढक देंगे। ढकने के बाद में सिर्फ एक बॉईल आने देना है, उससे ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अब जैसा कि देख रहे हैं आप लोग एक बॉईल आ चुका है, अब हम लोग इसको छान लेंगे और छानने के बाद में इसे गुनगुना पियेंगे। बट इसे पीने से पहले हमें एक गिलास या दो गिलास पानी, नॉर्मल वाटर या डिटॉक्स वाटर अगर आप पीते हैं तो डिटॉक्स वाटर पहले पीना है, उसके बाद में आपको ये जो एक गिलास या आधा गिलास जो पानी आपका है इसको आपको पीना है। यह आपके बंद नसों को खोल करके, कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपकी लाइफ को हेल्दी से हेल्दियर हेल्दीएस्ट बनाने वाला है। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है इस ड्रिंक को बनाना, बहुत ही आराम से आप इसे बना सकते हैं। रात में सोख करके रखना है, मॉर्निंग में सिर्फ गर्म करना और पीना है। और ध्यान रखिएगा आपको सुबह उठ करके पहले एक गिलास से दो गिलास पानी पीना है, इसके बाद में आपको इस ड्रिंक को लेना है। और इसके बाद में अगर आप चाहें तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा जिनके नसों में दबाव या खिंचाव है वो बहुत ज़्यादा रनिंग ना करें ताकि उनका बहुत ज़्यादा खिंचाव ना पड़े। जब इस ड्रिंक को लेकर के थोड़ी उन्हें राहत मिल जाए इसके बाद वो दौड़ना रनिंग करना स्टार्ट करें ताकि उनका और भी ज़्यादा वेट लूज हो सके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, जिसको भी इन सब तरह की कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।